आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिख रहा है। बढ़ती कीमतों को संज्ञान में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महुआ मंडल में 5 दुकानदारों को सस्ते दर पर आलू प्याज बेचने के लिए चिन्हित किया है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसका जाँच कराया गया और पाया गया कि आलू 50 से 55 रुपये और प्याज 70 से 80 रुपये किलो तक बिक रहा है, जिसको देखते हुए मंडी में थोक आलू प्याज के व्यापारियों के साथ बैठक की गई। उनके स्टॉक को चेक किया गया, जिसको देखते हुए महुआ मंडी के 5 दुकानों का चयन किया गया। अब इन दुकानों पर सस्ते दामों पर फुटकर रेट पर आलू प्याज की बिक्री की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बुधवार को आलू का रेट 35 रुपये और प्याज का रेट 55 रुपये किलो निर्धारित किया गया है। अब मंडी में कोई भी नागरिक इन दुकानों पर जाकर कोविड के नियमों का पालन करते हुए 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि अब मंडी में प्रतिदिन सुबह आलू और प्याज का रेट निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलू प्याज के थोक व्यापारियों और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, ये ध्यान देंगे और ये आगे इसको आज का थोक का रेट कितना है आपका? आज का प्याज वो है, हल्के के अगर लेंगे तो छीला पीला रहता है, वो कम का रहता है 30-35-40। मतलब आज का आपका थोक रेट 55 से 1 नंबर। आप 55 पे या पब्लिक को भी देंगे? आम पब्लिक को देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पर पब्लिक का कोई भी आदमी आए, कोई कभी भी कोई भी आ रहा है, 2.5 किलो से 5 किलो तक वो ले सकता है। ये लिमिट है, 57 पड़ेगा, 57-40 होगा, चार्ज जैसा रेट होगा। डेली का डेली सचिव साहब को आगत करा दिया जाएगा रेट का, और जितना माल हमारा बिकता है उसकी भी रिपोर्ट हम दे देंगे सचिव साहब को कि आज हमने इतना बेचा है। तो मिनिमम आप कितना दे रहे हैं? 2.5 किलो, कम से कम 5 किलो ज़्यादा दे रहे हैं। 2.5 किलो मेरे लिए तो भी है। अच्छा, यहाँ जो भी पब्लिक आएगी आपके यहाँ उसको आप लाइन लगवाएंगे ट्रक? अभी इंशाल्लाह नंबर ये मैं प्याज आलू ले जा रहा हूँ और 2 दिन बाद दुकान फिर आऊँगा, 2 या 3 दिन बाद फिर लेने के लिए। तो रेट यही वाजिब आपका होना चाहिए, रेट में कोई वो नहीं होना चाहिए कि इसके बाद फिर बढ़ के का हो गया। नहीं नहीं, अगर जैसे जनता जो है उसको जो वहाँ आपको थोक और फुटकर के रेट में आपके अंतर होना चाहिए, अंतर मतलब दिखना चाहिए अंतर। ये नहीं कि फुटकर में अगर 70 रुपये बिक रहा है तो आप यहाँ पे 68 रुपये बेचेंगे, नहीं नहीं तब कोई नहीं आएगा, ऐसा ऐसा होगा ही नहीं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, कितना रुपये हुआ था? 25 रुपये और कट हुआ? नहीं नहीं, आप पूरा कट लेना, ये पूरा गाड़ी का होगा, सबको पसंद नहीं रखेंगे। ये रेट पे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर है दुकान, वहाँ सामने है। 5 दुकानें भी चिन्हित की गई हैं, ये दुकानें आगे जैसे जरूरत पड़ेगी जितनी भीड़ होती है उस हिसाब से दुकानों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पास में भी दे, जिसको भी उसका हाथ सैनिटाइज करके उसको आप देंगे। ठीक है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये मंडी जो है महुआ में पड़ती है, महुआ मंडी है। फिर यहाँ से लेना, आप बताइए क्या है। जी, मेरा नाम आसिफ हुसैन बोलता है। मंडी में आलू और प्याज के दाम में क्या रेट है? भाई, जनता की सेवा के लिए प्रशासन के कहने के अनुसार उठकर रेट निर्धारित किया गया, जो कि बैनर पे आप देख सकते हैं।
55 रुपये किलो प्याज का रेट है और 35 रुपये किलो आलू का रेट जनता की सेवा के लिए हम लोग अवेलेबल किया गया है। अब देखिए शासन का जब तक आदेश होगा तब तक। हाजी ईसा मोहम्मद, किस तरह का स्टॉल लगवाया गया? ये शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों से कहा गया है कि जनता को सहूलियत के लिए होलसेल के रेट पे आप लोग जो है सब्जी की सप्लाई करिए आलू प्याज की, तो हम लोग इसी वजह से इसमें 35 रुपए का आलू है और ये आपका 55 रुपए का प्याज है। ये रेट कितने देर तक निर्धारित? ये रेट मतलब डेली का डेली चालू होगा, चूँकि कच्चे माल है ना, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगर कल कम हो जाते हैं तो कल हम लोग और कम कर देंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो एक दो रुपया जो भी बढ़ने हो बढ़ भी जाएंगे। ये कितने दिनों तक लगभग निर्धारित? ये जब तक 10 दिन तक के लिए कहा गया, अगर 10 दिन में माल जो है भाव डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसको अपना खत्म कर दिया जाएगा। सर यहाँ मंडी में जी यही मतलब आप लोग स्टॉल से जो है जनता को सहूलियत के हिसाब से उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके आप उनको जो है लाइन में लगा करके उनको जो भी 2.5 किलो 5 किलो जो भी लेते हैं उनको देते रहिए। अगर कोई ग्राहक लेने 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक। देखिए आलू और प्याज के दाम जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे कई विभिन्न कारणों से, तो आप लोगों के द्वारा कई माध्यम से पता चला था, तो इसकी जांच कराएगी तो पता चला कि फुटकर जो आलू है वो करीब करीब 50 रुपये 52 रुपये किलो, इसके अलावा जो प्याज है वो 70-75 रुपये 80 रुपये किलो मिल रही है। तो इसी क्रम में मंडी के जो बड़े आढ़ती हैं उनके साथ बैठक की गई प्याज और आलू के, सबसे पहले उनका स्टॉक वेरीफाई किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि जो भी थोक रेट प्याज का है उसी के आधार पे, उसी से 1-2 रुपये के आसपास जितना उनका जिसमें उनका नुकसान ना हो उसी के आधार पे हम लोग मंडी से ही प्याज और आलू फुटकर विक्रय करेंगे, तो वो प्रक्रिया से शुरू कराई गई है। रेट सुबह निर्धारित कर दिया जाएगा जिसमें मंडी समिति के अधिकारी, जो भी सारे मंडी के अधिकारी और मंडी समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं आरती हैं, उनके साथ बैठक करके रेट रोज़ निर्धारित हो जाएगा। आज के लिए प्याज जो है वो 55 रुपये किलो के हिसाब से निर्धारित किया गया रेट उसका, और आलू का 35 रुपये किलो के हिसाब से। तो पूरे गोरखपुर में कोई भी जिसको फुटकर में आलू या प्याज खरीदना हो वो मंडी में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आ सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए लाइन लगाते हुए जिन 5 आढ़तियों की दुकान चयनित की गई है वहाँ पे वो आलू प्याज ले सकते हैं। आलू प्याज में एक अपर लिमिट भी लगाई गई है कि इससे ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा ना बेचा जाए, तो वो 5 किलो की लिमिट अभी लगाई गई है कि 5 किलो ज़्यादा किसी व्यक्ति को ना दिया जाए। तो हमारा प्रयास ये है कि सस्ते दाम पर आलू प्याज घर घर तक गोरखपुर पहुँचे, सभी नागरिकों को उसका सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। तो इसके लिए हम लोग ने आज ये शुरू किया है काम, हर दिन के लिए पृथक से सुबह रेट निर्धारित होगा। सर यह रेट निर्धारित कब तक चलता रहेगा? देखिए जब तक आलू प्याज के दाम जो है नियंत्रित नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह से प्रशासन इस पर कंट्रोल रखेगा, और पूरा प्रयास ये है कि हम लोग निर्धारित जो रेट है उस पर आलू प्याज बिकवाएँ और जनता को सस्ते सस्ते दाम पर ये दोनों कमोडिटीज़ मिलें।